सो गाइस अभी आ चुके घर है। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। सो अभी बज रहे हैं 11 और नाश्ता वास्ता हो चुका है और नाश्ता वास्ता करने के बाद अभी एक काम बाकी है कि गाड़ी है एक मेरी जो उसको स्टार्ट करना है, तो उस गाड़ी थोड़ा बाहर का काम है आज, इसलिए उस गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा रमज़ान से पहले और पूरे लॉकडाउन वो गाड़ी बंद रहा है। तो चलते हैं हम उस गाड़ी को देखते हैं गैरेज में क्या हाल है और इसलिए उसको स्टार्ट करना है कि काफ़ी दिन तक बंद रहेगी तो वो गाड़ी ख़राब हो जाएगी और बैटरी ख़राब हो जाएगी। तो चलते देखते हैं उस गाड़ी को। ऐसे तो हम लोग और भी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं लेकिन वो काफ़ी दिन से बंद है, उसको हम लोग मेंटेन में रखते हैं क्योंकि इमरजेंसी में बहुत काम आती है। तो चलते हैं। तनवीर आ चुका है और बस उसका कुछ वीडियो एडिट करना था तो उसका वीडियो भी एडिट करेंगे हम लोग और उसके बाद मिलते हैं गैरेज। और ये हम भी तनवीर शेख टेक्निकल चैनल जो है, जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया है, तो इनका वीडियो हो चुका है पूरा फिनिश और अभी प्रोसेसिंग में है, एक्सपोर्टिंग हो रहा है और ये बस थोड़ा देर में इनका वीडियो एडिट हो जाएगा। ये तो करते हैं वे अच्छा एडिट करते हैं अपने वहाँ से, लेकिन इनके ऐप में कुछ गड़बड़ी आ गई थी इसलिए आज इनसे एडिट कराने आए हैं। तो बस इनका एडिट हो गया है और लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले अपडेट्स को ये बताते हैं और रोज़ शाम में 7 बजे इनका वीडियो आता है। आपको मोबाइल से इससे जुड़ी कोई भी न्यूज़ चाहिए तो इनके वीडियो को ज़रूर विजिट करें। इनके चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। Got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody, and you can trust me, baby. We are everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from 1,000 fires, I'm gonna kiss you wherever you are, and I'm gonna miss you. I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Feeling like it never ends. Back again, square one. Try to leave myself behind. फाइनली तनवीर का वीडियो एडिट हो चुका है, आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट हो चुका है और इसको एडिट करने में इतना टाइम लगा और उसको एक्सपोर्ट होने में भी कम से कम आधा घंटा लग गया। छोटा मोटा ये वीडियो नहीं था, कम से कम 1 घंटा 5 मिनट का ये वीडियो था और ये इसके यूट्यूब जर्नी पे वीडियो बनाया है इसने और आप जाके देख सकते हैं 1 घंटे का वीडियो, उसमें पूरा एक्सप्लोर किया उन्होंने कि कैसे यूट्यूब पर ग्रो किया जाता है। सो गाइस हम लोग गए थे बाहर और बाहर से भी चले आए हैं। गाड़ी वाली स्टार्ट हो चुकी है और शुक्र है कि गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो गई और हवा थोड़ा गाड़ी में कम है, तब पेट्रोल पम्प जाएंगे, देखते हैं वहाँ कुछ होता है कि नहीं, शायद खुला हो। उसके बाद सो हम लोग निकल चुके हैं अभी अपने घर से और लेना है पेट्रोल गाड़ी में फ्रेंड्स को, तो 7 लोग लेके जा रहे हैं। तो देख सकते हैं रास्ते का हाल पूरा पानी पानी हुआ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुम्हरार की तरफ पेट्रोल लेने। अगर आपको भी पेट्रोल अभी लेना है तो कुम्हरार की तरफ अगर आप जाते हैं तो शॉर्टकट रास्ते से जाएँ, मेन रोड से जाते हैं तो आपको चेकिंग का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी हम लोग जो शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं अजीमाबाद कॉलोनी में है, जो हमारे पीछे तरफ पड़ता है और एक दिन के बारिश में देख सकते हैं पटना के रोड का हाल और रोड का हाल देख सकते हैं और कच्चे रास्ते का तो बेहाल है। यहाँ पर देखिए कितना पानी जमा हुआ है। पिछली बार जो बारिश हुई थी उसमें तो बाढ़ के आसार आ गए थे पूरे पटना में, लेकिन इस बार 1 दिन की बारिश में पूरे पानी भरा हुआ है। पता नहीं भाई पटना कब तो होगा, 2 साल 3 साल से तो नाला ही का निर्माण हो रहा है लेकिन अभी तक नाला नहीं बना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, फ्रेंड है साथ, उनको पेट्रोल लेना है गाड़ी में और इस गाड़ी को आप पहचानते होंगे बखूबी क्योंकि इस गाड़ी पर बहुत सारी ब्लॉग शूट हुई है, हाँ आप लोग जानते होंगे। तो आप लोग कुम्हरार जा रहे हैं तो आप लोग अजीमाबाद होकर शॉर्टकट रास्ते से निकल सकते हैं क्योंकि रोड से जाएंगे तो आपको कहीं कहीं पे चेकिंग का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि पटना में अभी लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ मेरे वहाँ, इसलिए। तो मिलते हैं आपको आगे और जब तक आप टाइम वेस्ट का फ्रेंड्स अभी हम लोग अभी इस ब्यूटीफुल फ्लाईओवर से गुजर रहे हैं और ओहो ब्यूटीफुल पटना का मौसम देख कितने ब्यूटीफुल हो रहा है भाई। व्यू देखिए कितना मस्त व्यू आ रहा है इस ब्यूटीफुल पे। अभी हम लोग कुम्हरार वाले फ्लाईओवर पे हैं जिसे यू पुल भी कहा जाता है। तो इस यहाँ से हम लोग उतर के वहाँ कुम्हरार पार्क की तरफ उतरेंगे और वहाँ से लेंगे पेट्रोल। तो और अभी देख सकते हैं पटना का माहौल कितना सन्नाटा और कितनी इतने सन्नाटे में क्या वाइब आ रही, क्या ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है इस पुल का। तो हम लोग अभी इस पुल से गुजरने के बाद कुम्हरार उतरेंगे और वहाँ से पेट्रोल लेंगे। वहाँ आगे में पेट्रोल पंप, वहाँ आपको बहुत सारे और भाई यहाँ पे हो रही है तगड़ी वाली चेकिंग। देख सकते हैं पूरे रोड को पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रखा हुआ। वो रोड है कुम्हरार रोड, जहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ चलती थी। आप मेरे इस साइड देख सकते हैं कि कुम्हरार पार्क है। हम लोग यहाँ भी जाएंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे लॉकडाउन वॉकडाउन खोलने के बाद। और आप घर से निकल रहे हैं गलत तरीके से तो आप रोड बिल्कुल ना निकले, हर जगह पर आपको पुलिस दिखेगी। हम लोग तो निकले अभी पेट्रोल लेने और हम लोग पूरे हेलमेट वेलमेट के साथ है, इसलिए हम लोग को रोका नहीं गया। तो आप बाहर निकले तो अच्छे से निकले, बिना हेलमेट वेलमेट के नहीं निकले। तो अभी हम लोग पेट्रोल पंप चलते हैं और देखते हैं पेट्रोल पंप खुला है और पेट्रोल को लेते हैं। सो फ्रेंड्स हम लोग को पेट्रोल मिल चुका है और हम लोग पेट्रोल ले चुके हैं और अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। और मेरे दोनों साइड आप देख सकते हैं पेड़ कितनी खूबसूरत व्यू दे रहा है। बारिश होने के बाद सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती होती है इस पेड़ हरे हरे पेड़ पे होती है। और अभी हम लोग घर की तरफ रिटर्निंग हो रहे हैं और ये वो रास्ता है जो कुम्हरार की तरफ जाता है। तो इसी से हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। फिर आपसे मिलते हैं अभी घर पर। और जब तक सो गाइस अभी आ चुके घर और घर आके बस अब लंच का टाइम हो गया तो खाना वाना खाएँगे और आराम करेंगे। और तनवीर अपने घर चला गया है तो फिर आपसे बात होती है शाम में। और शाम में तो आपको रूटीन पता ही है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मगरिब की नमाज हो गई है और आज देखते हैं नाश्ते में स्पेशल क्या है। वैसे तो रोज़ तो दिन स्पेशल ही मिल रहा है। और पीछे टीवी तो इग्नोर करें, टीवी लगता चलाते चलाते बंद करके चली गई। तो देखते हैं आज नाश्ते में क्या है स्पेशल और फिर आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे तैयारी हो रही है अभी शाम के नाश्ते की। और आई थिंक यहाँ पे अभी तले जा रहे हैं भटूरे। आई होप यहाँ पे अभी बन रहे हैं छोले भटूरे शाम के नाश्ते में। तो देखते हैं तैयार होने के बाद कैसा टेस्ट आता है छोले भटूरे का। और बने रहे इस वीडियो में। Sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tip. Wishing that something would change. That we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So we'll love so. आज के नाश्ते में है स्पेशल छोले भटूरे। और जैसे कि आप देख रहे हैं छोले भटूरे होममेड छोले भटूरे। कल हम लोगों ने खाया था चाट और आज हम लोग खा रहे हैं होममेड छोले भटूरे। सो फ्रेंड्स अभी हो चुका है नाश्ता वाश्ता ख़त्म। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। कमेंट कर ज़रूर बताएं आज का ब्लॉग कैसा था। और कुछ ऐसा ही था आज का हमारा दिन और हमें इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ा। और अभी भी लॉकडाउन पटना में लगा हुआ है इसलिए बाहर कम ही जाएँ और ज़रूरत के बताएँ बाहर जाएँ। तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में अगले नए कंटेंट के साथ। क्या होता है हमारे साथ अगले व्लॉग में वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, इसलिए आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और खुश रहें।